आस्वाद घर की रसोई से आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुरमुरा के लड्डू, जिसे हम मुरमुरा के लड्डू भी कहते हैं। ये देखिए, मैं उसे प्लेट में गिराकर भी दिखा रही हूँ। ये हमारे लड्डू बिखर नहीं रहे गिरकर, पर इससे मैं हाथों से तोड़ूंगी तो ये आराम से टूट जा रहे हैं, ये देखिए। तो इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम कुरमुरे का एक पैकेट, और हमें कुरमुरे को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। कुरमुरे तो वैसे ही क्रंची होते हैं, पर इसे हल्का सा रोस्ट करने से इसका क्रंचनेस और बढ़ जाता है। इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे और एक साइड में निकाल कर रख देंगे। देखिए, हमारे कुरमुरे पहले से भी ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हो गए हैं। देखिए, तुरंत पाउडर बन जा रहा है इनका। और यहाँ पे मैंने ली हुई है अदरक। अदरक को हम छील लेंगे और धो के उसे ग्रेट कर लेंगे। अदरक का टेस्ट लड्डू में बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें। यहाँ पे हमारे सारे कुरमुरे रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम हाथों से उठाएंगे कर अलग कर देंगे, क्योंकि इन कुरमुरे में थोड़ा सा बारीक पाउडर होता है। ये पाउडर हमें अपने लड्डुओं में नहीं चाहिए। अगर ये पाउडर हमारे लड्डुओं में मिक्स हो जाएगा तो लड्डू हमारे इतने परफेक्ट नहीं लगेंगे। तो आप चाहे तो ये हाथ से कर सकते हैं या इस तरह चलने से भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम अपने लड्डुओं के लिए चाशनी तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 कप गुड़ और 1 चम्मच पानी डाल के हमें गुड़ मेल्ट होने के लिए रख दिया है। गुड़ को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। इसमें 10 से 15 मिनट का समय भी लग सकता है, स्लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं। देखिए, मैं अपने लड्डुओं को बैचेस में बना रही हूँ, तो ये हमारी सेकेंड बैच है और ये मैं चाशनी चेक कर रही हूँ। अभी हमारी चाशनी रेडी नहीं हुई है, इसे हमें और पकाना पड़ेगा। हमें बेसिकली एक तार वाली चाशनी होती है। ये चेक करने के लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और अपनी चाशनी को उसमें ऐड करके देखेंगे कि हमारी चाशनी हुई है या नहीं। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्थ के लिए भी उतने ही अच्छे होते हैं। बच्चों को ये लड्डू काफ़ी पसंद आते हैं। ये देखिए, मैं चाशनी चेक कर ले रही हूँ अपनी फिर से एक बार। इसे हमें हाथ से जमा कर लेना है अच्छी तरह से पहले, और अपने दोनों हाथों से इसे खींच कर देखना है। देखिए, तार बन रही है हमारी चाशनी में, और थोड़ी देर में ये गुड़ हमारा टूटने भी लगेगा। देखिए, इस तरह टूटना चाहिए हमारा गुड़, तभी हमारी चाशनी रेडी होती है। और इसे हम अब इसमें हम कुरमुरे ऐड करके कुरमुरे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हमारी गैस फ्लेम ऑन ही है, अभी हमने गैस फ्लेम ऑफ नहीं किए। लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, अगर हमारी चाशनी थोड़ी कच्ची भी होगी तो उससे हमारी चाशनी अच्छी तरह से पक जाएगी और हमारे गुड़ गर्म रहेंगे। गुड़ गर्म रहने से हमारे कुरमुरों में अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। तो अगर आप चाहे तो ये जो हमने जिंजर ग्रेट करके रखा था, वो जैसे ही चाशनी हमारी रेडी हो जाती है उसी वक्त आप या तो चाशनी में डाल दीजिए, या फिर मैंने ये कुरमुरे ऐड करने के बाद ऐड किया है तो इस वक्त डालिए। पर इस वक्त हमें डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना होता है हमारे जिंजर को, ताकि वो एक ही जगह पर जमा ना रहे। और ग्रीस की हुई एक प्लेट में हम अपना सारा मिश्रण निकाल देंगे फटाक से, और फटाफट से हमें इसके लड्डू बनाना है। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। लड्डू बनाने के लिए हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल या तो पानी लगा लेंगे और फटाफट से हमारे लड्डू बांधने लगेंगे। लड्डू आपको जिस साइज़ के चाहिए उस साइज़ के आप बना सकते हैं, बड़े, छोटे, मीडियम। देखिए, मैं नॉर्मल मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। हल्का सा हाथों में पानी लगा लीजिए, जिससे आपके हाथ को जलन नहीं होगी, हीट से कुछ परेशानी नहीं होगी और आराम से आपके लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।